हेलो गाइस, मेरा नाम है पवन दीक्षित और मैं चैनल TECHPD से। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को PC से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। उस फाइल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा गाइस। ये वो फाइल है, आप देख पा रहे हैं, ये वो फाइल है जो आपको डाउनलोड करनी होगी। और ये जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपको उस जिप को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसको कॉपी करना है सी ड्राइव में कहीं भी, या आप अपने जहां भी जिस फोल्डर में आपने डेटा एक्सट्रैक्ट किया हुआ वहां भी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप चलिए, मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है, इसको कॉपी कंट्रोल सी और मैं इसको पेस्ट कर देता हूं सी में। ओके, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, मैं फिर से कर देता हूं। ठीक है, ये करने के बाद आपको फाइल्स दिखेंगे। ओके, इसके बाद आपको राइट क्लिक करना है अपने माय कंप्यूटर पर, उसके बाद आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, सिस्टम वेरिएबल्स में पैथ में जाकर आपको इस फोल्डर का जो आपने पेस्ट किया है, जहाँ सी ड्राइव में पेस्ट किया है उसका पैथ कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ न्यू बनाकर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद एंटर कर देना है, कुछ आपको ऐसा दिखेगा सी कॉलन और ये जो भी फोल्डर का फाइल का नाम था। आप चाहें तो इसको सॉर्ट कर सकते हैं नेम को, ताकि आपको आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं मैनुअली। फिर ओके ओके ओके, और फिर इसके बाद आपको अपने PC से मोबाइल को कनेक्ट कर लेना है USB के थ्रू, और उसमें आप डेवलपर ऑप्शन ऑन कीजिए। और याद रखिए, आपको 5 सेकेंड के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये ब्रेकिंग न्यूज़ कोरोना की वजह से, गाइस घर पे रहिए, सेफ रहेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के बाद ये आपको मिल गया डेवलपर ऑप्शन, और याद रखिए यहाँ पे बस 2 ऑप्शंस एनेबल करने हैं। सबसे पहले है USB डिबगिंग, ये ऑन करना है, और ये ऑन करते वक्त आपको अपना इंटरनेट ऑन रखना है। ऑन करते ही ये कुछ सेटिंग सेकंड्स मांगेगा, उसको अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद आप सक्सेसफुली इसको काट कर दोबारा से कनेक्ट कीजिए। ये शॉर्टकट मैंने कैसे बनाया है मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ नहीं है। यहाँ गए, आपको ये जो कंसोल नॉन कंसोल दिख रहा है यहाँ से भी डायरेक्ट चला सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक कीजिए, ओपन पावर सेल विंडो एयर, इधर ADB टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। अगर ये कैरेक्टर की वॉल्स आ जाती है, मतलब एक दीवार सी आ जाती है कैरेक्टर की, तो समझ लीजिए आपका मोबाइल सक्सेसफुली कनेक्टेड है। अगर कुछ रेड आता है तो आप समझ लीजिए कुछ एरर है, तो आप केबल वगैरह को चेक कर लीजिए। ठीक है, मेरा सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। ओके, और आप इस पर भी डबल क्लिक कर आप अपने मोबाइल को ऑन कर सकते हैं, और यहाँ से सेंड टू डेस्कटॉप पे करने के बाद ये यहाँ आ जाएगा। मैंने इसको यहाँ रख रखा है और रीनेम कर रखा है मैंने इसको, ताकि मुझे पहचानने में आसानी हो। आप चाहें तो इसको लोगो भी दे सकते हैं, अगर इसका कोई भी लोगो नहीं है। चेंज आइकन, हाँ इसके लिए परमिशन चाहिए होंगे, तो मैं कर देता हूँ। इसमें एंड्रॉयड फ़ोन तो कोई लोगो नहीं है गाइज, आप खुद चूज़ कर लीजिए आपको जो भी पसंद आता है, मैं नहीं लगाना चाहता हूँ। ओके, तो गाइज ये ट्यूटोरियल कैसा लगा? आप अपने फ़ोन के साथ कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको छोटा सा एक गेम खेल कर दिखा देता हूँ। कैंडी खेल लेते हैं, लैग फ्री है ये, अगर सॉफ्टवेयर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लैग होते हैं, मतलब कि आप अपने पिक्सल्स
फोटो भी नहीं देख पाते हैं। ये एकदम लैग फ्री है, बहुत फास्ट चलता है। आप देख पा रहे हैं एकदम लैग फ्री है। अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये रोटेट में भी वर्क करता है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये रोटेट होता है एम एक्स प्लेयर में। ओके, तो मैं इसको अब रोटेट कर रहा हूँ। अभी इसको ये रोटेट कर दिया है। कोई मूवीज प्ले कर देता हूँ। ओके, इसकी मीडिया स्ट्रीमिंग भी बहुत अच्छी है। देखिए, आप मूवी भी देख पा रहे हैं अपने मोबाइल की पीसी में। ये इसका कोई पर्पस नहीं है। वैसे इसका यूज़ आप तब कर सकते हैं कि आपका टच कहीं से फूट गया है, बहुत कम काम कर रहा है, आपको टाइपिंग में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ और कम्युनिकेशन करने में, अपने मोबाइल को हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप एकदम अच्छी क्वालिटी के साथ आप देख सकते हैं। आपको ये आगे बढ़ाना है, देखिए सब कुछ कर पा रहे हैं आप। ओके, और इसका आउटपुट सुन रहे हैं तो मैं इसका आउटपुट भी सुना देता हूँ। इसका वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। मैं और कोई गाना प्ले कर देता हूँ। सुन पाए भाई, मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ उसका। तो ऐसा कुछ वॉल्यूम देखने को मिलेगा आपको। अपने मोबाइल को एज अ वेबकैम भी यूज कर सकते हैं आप। मैं ये भी दिखा देता हूँ, इन पर हम अलग अलग फायदे उठा सकते हैं इसके लिए। देखिए, एज अ वेबकैम भी यूज कर सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, फोटोज भी कैप्चर करने के बाद। ये देखिए, और सबसे अच्छे आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल को। अगर आपका टच टूटा टूटा है तो कंफर्ट होंगे आप इसके साथ यूज़ करने में। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। मैं फिर से कहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ तो कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।